हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इंस्टेंट से बनने वाली रेसिपी जो आपको इस गर्मी के सीज़न में पेट को और शरीर को ठंडक देगी। ये डिश फटाफट से 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। आइए तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कटोरी दही, डाल दूँगी 1 कप पानी, फिर ऐड कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। इस रेसिपी में फ्रेंड्स नमक 2 बारी पड़ेगा, अभी थोड़ा सा पड़ेगा और बाद में थोड़ा। फिर ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, इसे मैं हाथ से तोड़ के डालूँगी। इस तरह कड़ी पत्ता डालने से इस डिश का फ्लेवर और भी एनहांस होगा। फिर इसमें डाल दूँगी मैं अदरक, जिसे मैं ग्रेट करके डालूँगी। कड़ी पत्ता और अदरक इस डिश में पड़ने वाली मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कड़ी पकौड़ी की रेसिपी बना चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारी चीज़ डालने के बाद मैं इसे हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, इतना कि इसमें झाग आ जाए। फटाफट से गैस पे कढ़ाई रख दे रही हूँ। इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच घी। आप चाहे तो इसमें तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से एक अलग ही अच्छा स्वाद आता है। जैसे ही घी गर्म होता है, इसमें हम डाल देंगे राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। 1-2 मिनट इसे अच्छे से चलाएंगे। जैसे हरी मिर्च इसमें भुन जाए, हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि जब आप हल्दी ऐड कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम एकदम धीमी होनी चाहिए। अभी इसके आगे की प्रोसेस आपको पूरे धीमे गैस पे करनी है। फिर ऐड कर देंगे हम फेटा हुआ दही। दही का मिश्रण डालने के बाद में आपको इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो दही फट सकता है। अभी इस मिक्सचर को आपको गेंद के 20 से 25 सेकेंड ही चलाना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अगर इसमें बॉईल आ जाएगा तो दही का मिश्रण फट सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दही में उबाल नहीं आए। यहाँ पे हल्दी मुझे कम लग रही है तो 1 चुटकी मैं ऐड कर दे रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार आपको इसे चलाते रहना है। ध्यान रखिए कि दही का मिश्रण फटना नहीं चाहिए। अभी ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा सा डाला था, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही आप देखें कि साइड में छोटे छोटे बबल्स आना शुरू हो गए, तुरंत ही आपको गैस बंद कर देना है। और लीजिए, आपकी स्वादिष्ट दही की इंस्टेंट कड़ी बनके तैयार है। अभी आप चाहे इसे चावल के साथ खाइए या फिर ऐसे इसे कटोरी भरकर पी लीजिए। ये इतनी स्वाद बनती है कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये इंस्टेंट रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।